हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द क्यूट कथा में तुम लोगों का स्वागत है। दोस्तों पहले तो बताओ, मेरे फेस पे जो ग्लो देख रहे हो ये किस फाउंडेशन को या क्रीम को अप्लाई करने से हुआ है? एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि आज का वीडियो स्किन केयर के ऊपर है और मुझे पता है सबको स्किन केयर लेना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तुम लोगों के साथ एक फेस मास्क को मैंने कैसे बनाया था यही आज शेयर करूंगी, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, ये है आईडी। दोस्तों ये जो ग्लोई ग्लोई ब्राइट स्किन टोन दिख रहे हो ये तुम्हें भी मिल सकता है अगर प्रॉपर स्किन केयर लो तो। मैं अपने फेस पे बहुत कुछ अप्लाई करके दिखती हूँ, और अगर वो मुझे सूट करे, मुझे लगे कि ये हर एक स्किन टाइप के लिए बढ़िया है, तो ही मैं तुम लोगों के साथ वो शेयर करना पसंद करती हूँ। हर एक यूट्यूबर तुम्हें बहुत सारा प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, हर कुछ अप्लाई करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा यूट्यूबर हूँ जो तुम्हें प्रॉपर वे दिखाऊँगी जो मेरे स्किन पर सूट किया है, जो खरीद के मैंने रिग्रेट फील नहीं किया है, वही तुम लोगों को मैं बताऊंगी। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, ट्राई टू बेस्ट स्किन केयर, ट्राई टू समथिंग न्यू स्किन केयर। तो ये जो फेस मास्क मैंने बनाया है इसके लिए मुझे ख़रीदना पड़ा था 2 रुपये का एक कॉफ़ी का पाउडर का पाउच। मैंने छोटा चम्मच, एक चम्मच के बराबर कॉफ़ी पाउडर को ले लिया है एक छोटे बोल में, और उसके साथ मैंने हल्दी, चंदन, एलोवेरा जेल को ऐड कर लिया है 2 टेबल स्पून। मिक्स इट वेल, और इसका टेक्सचर ऐसा आ जाएगा लिक्विडी टाइप ऑफ, और इसको हल्के हाथों से तुम्हारे फेस के ऊपर 3 से 4 मिनट्स तक मसाज करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने कॉफ़ी पाउडर को इसलिए यहाँ ऐड किया है क्योंकि कॉफ़ी पाउडर अच्छी तरह से एक्सफोलिएट करता है हमारे स्किन को, प्रॉपर वे से एंटी एजिंग को रोक देता है, और हमारे फेस पे या स्किन पे जो डेड सेल्स है उसको भी ये रिमूव कर देता है, ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट देता है, अच्छी तरह से स्किन को नरिश करता है, क्योंकि इसमें एलोवेरा जेल ऐड किया गया है और हल्दी एलोवेरा जेल है ये, और ये अच्छी तरह से एंटीबैक्टीरियल इफ़ेक्ट होने की वजह से ये स्किन को प्रॉपर वे से बहुत अच्छी तरह से हर एक डर्ट को रिमूव कर देता है। कॉफ़ी फेस मास्क को तुम लोग हाथों पे अप्लाई कर सकते हो, अपने नेक पे अप्लाई कर सकते हो, और 3-4 मिनट्स को मसाज करने के बाद तुम लोग इसे 10 मिनट तक वैसे ही छोड़ देना अपने फेस के ऊपर जहाँ अप्लाई किया गया है ये, उसके बाद इसको नॉर्मल पानी से धो डालना। दोस्तों मार्केट से बहुत कीमती प्रोडक्ट्स यूज़ करके देख लेना, और मेरे इस फेस मास्क को अप्लाई करके देख लेना कौन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और कौन ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। तो होप सो आज का वीडियो तुम लोगों को पसंद आया हो, मेरा ये ग्लोइंग स्किन तुम्हें भी मिल सकता है अगर इसको ट्राई करके देखो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना ये कितना इफ़ेक्टिव रहा तुम्हारे ऊपर। और मैं फिर चले आऊँगी नई कोई वीडियो के साथ। इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और मेरे चैनल द क्यूट कथा को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को भी क्लिक कर देना तो इस हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाएगा। तो चलती हूँ, सब अच्छे रहना, बाय बाय दोस्तों।